वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो पायदार ट्रांसपोर्ट पर होने वाली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफद की क़यादत कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि पुरअमन पड़ोस पाकिस्तान की पॉलिसी का अहम हिस्सा है, खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए पुरउम्मीद हैं। पीस एंड डेवलपमेंट आर इंटरलिंक्ड। विदाउट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी वी विल नॉट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन। दैट इज व्हाई पीसफुल नेबरहुड इज अ की पिलर ऑफ आवर पॉलिसी। उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबा जनूबी एशिया, चीन, वस्ती एशिया और मिडल ईस्ट को मिला देगा। द मोस्ट प्रॉमिसिंग एलिमेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अ पैकेज ऑफ मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट वुड बूस्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के गेटवे का किरदार अदा कर सकता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड फैसिलिटेशन, एनर्जी एंड ट्रेड पॉलिसी इन द न्यू इमर्जिंग ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरनमेंट पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू सर्व एज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने पायदार ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अक्वामी मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और तुर्कमानिस्तान के सदर को मुबारकबाद दी।